अगर आपको वीकनेस या थकान रहती है, दिन भर एनर्जी नहीं रहती है, तो मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही आसान से दो ड्रिंक्स जिसमें काफ़ी सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, फाइबर है, विटामिन है, मिनरल्स हैं और साथ में स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आइए देखते हैं इनको कैसे बनाया जाता है। तो हम सबसे पहले इसका एक मज़ेदार सा ठंडा वाला एनर्जी ड्रिंक बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पर 8 से 10 खजूर लिए हैं जिनको डेट्स भी कहा जाता है, और बस हम इस तरह से इनके बीजे निकाल देंगे और इनको एक बोल में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो अगर आपके पास खजूर नहीं है तो ड्राई डेट्स भी ले सकते हो, मतलब छुहारा कहते हैं जिसको, वो भी ले सकते हो, और अगर ये वाले हैं तो इसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है। तो बस सारे के सारों का हम बीजा निकाल के एक बोल में डाल देंगे। इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी 7 से 8 बादाम, और हम इसमें डाल देंगे 7 से 8 काजू, और इसमें हम डाल देंगे गरम दूध। तो क्योंकि हम अभी सोक कर रहे हैं इसलिए गरम दूध डाल रहे हैं। इनको बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए, तो यहाँ पर आप अपनी पसंद के और भी नट्स डाल सकते हैं, आप इसमें अखरोट भी डाल सकते हैं, आप इसमें मींगी जो होती है ना खरबूजे के बीच, वो भी डाल सकते हैं। तो आपकी चॉइस पे है, थोड़े और नट्स डाले जा सकते हैं। और यहाँ मेरे पास है सब्जा के बीज, या फिर जिसको कि स्वीट बेजल कहा जाता है। तो मैंने बहुत थोड़े से लिए हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो करीब 1 टीस्पून ले लें, और इसमें हम पानी डाल देंगे। तो इनको हम करीब 1 घंटे तक सोक होने देंगे, और तब तक हम तैयारी करेंगे अपने दूसरे ड्रिंक की। तो इसके लिए मैंने फिर से यहाँ पर डेट्स लिए हैं, और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आप खजूर भी मतलब आप छुहारा भी ले सकते हो या फिर इस तरह से डेट्स भी ले सकते हो, पर ध्यान रखिएगा दोनों में ही बीजे होते हैं तो आप उनके बीजे हटा दें। तो ये भी करीब मैं 10 डेट्स ले रही हूँ इसमें। तो ये देखिए, मैंने सारे खजूर के बीजे निकाल दिए हैं, और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून खसखस या पॉपी सीड्स। तो अगर आपके पास हैं तो आप यूज़ करें, नहीं तो आप छोड़ भी सकते हैं। और इसमें भी हम डाल देंगे थोड़ा सा दूध, और इनको भी अच्छे से मिक्स कर देना है। तो आज हम दो तरह के ड्रिंक बना रहे हैं जिसमें सामान ऑलमोस्ट एक सा ही है, पर एक है ठंडा तासीर वाला और एक है गर्म तासीर वाला। मतलब एक आप सर्दी में पी सकते हैं और आप एक गर्मी में पी सकते हैं, और डिपेंड करता है कि आपके शरीर की तासीर कैसी है। मतलब कुछ लोग ठंडे तासीर के होते हैं, उनको ज़्यादा कोल्ड होता है तो उनको गर्म ड्रिंक पीना चाहिए, और कुछ लोग होते हैं जिनकी गर्म तासीर होती है शरीर की, वो अपने लिए ठंडा बना सकते हैं। तो बस इन जो डेट्स हैं और जो खसखस है, इनको भी आप 1 से 1.5 घंटे तक अच्छे से सोक होने दें। तो ये देखिए, मैंने इसको काफ़ी टाइम के लिए सोक कर दिया था, मतलब ऑलमोस्ट 4 घंटे हो गए। आप देख सकते हो मिल्क का कलर भी बदल गया है, तो ये खजूर की वजह से होता है। और यहाँ पे मैंने एक मिक्सी का जार लिया है, हम ये सारा मटेरियल इसमें डाल देंगे, और अब हम इसको पीस लेंगे और इसका एकदम बारीक पेस्ट तैयार करेंगे। तो ये देखिए, इसको मैंने पीस लिया है और इसका एकदम बारीक पेस्ट तैयार किया है। और अब मैंने यहाँ पर एक सर्विंग के लिए ग्लास लिया है, और 2 से 3 चम्मच के करीब ये जो पेस्ट है हम इसमें डालेंगे। तो ये जो खजूर होते हैं ना, काफ़ी स्वीट होते हैं, तो अगर आपको ऐसा लगे कि स्वीटनेस कम है तो आप थोड़ा सा इसमें शक्कर डाल सकते हैं या फिर हनी डाल सकते हैं, पर ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इसमें अब हम डाल देंगे दूध। तो इसमें मैं ठंडा दूध डाल रही हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं एक ठंडा वाला ड्रिंक बना रही हूँ और एक गर्म। और अब हम इसको बहुत अच्छे से मिला देंगे। तो आपने देखा, हमने इसमें जो सारी चीज़ें मिलाई थी वो बहुत ही हेल्दी होती हैं। खजूर जो है उसमें बहुत हाई फाइबर होता है, तो जिसको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है उसको तो ये ज़रूर लेना चाहिए। और मैंने इसमें शक्कर का यूज़ नहीं किया है। अगर आप चाहें, अगर आपको लगे ऐसा कि शक्कर की ज़रूरत है, तो आप इसमें ब्राउन शुगर या फिर हनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये देखिए, हमने सब्जा के बीज जो भिगोए थे वो काफ़ी फूल गए हैं, और आप अमाउंट में देख सकते हो कितने सारे हो गए हैं। तो इसीलिए मैंने आपको बोला था कि थोड़े से ही भिगोइएगा क्योंकि ये फूलने के बाद बहुत सारे हो जाते हैं। तो मैं 2 चम्मच सब्जा के बीज इसमें डाल दूंगी और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे हम, और हम इसको गार्निश कर देंगे थोड़े से कटे हुए नट्स के साथ। तो मेरे पास यहाँ पे है कटा हुआ बादाम और कटा हुआ काजू। तो ये देखिए, हमारा बहुत ही हेल्दी और फिलिंग ड्रिंक तैयार है। अगर आप इसको ब्रेकफास्ट में 1 ग्लास पी लोगे तो आपको कुछ भी बहुत देर तक खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और चलिए, अब मैं आपको दिखाती हूँ एक दूसरा ड्रिंक। तो इस वाले ड्रिंक को बनाने के लिए मैंने एक पैन लिया है, और इसमें मैं डाल रही हूँ 2 कप दूध। तो आप कच्चा दूध या बॉयल मिल्क कोई भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूध को हमें बॉयल आने तक उबालना है। तो अगर आपको दूध से एलर्जी है, मतलब अगर आपको लैक्टोज इनटॉलरेंस है, तो आप आलमंड मिल्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि वेट का प्रॉब्लम है, तो आप फुली टोन्ड मिल्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये देखिए, हमने ये वाला जो खसखस और जो खजूर सोक किए थे वो बहुत अच्छे से फूल गए हैं, तो इनको हम एक मिक्सर के जार में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो खसखस जो होता है या पॉपी सीड्स, बहुत ही हेल्दी होता है। अगर आपके शहर में मिलता है तो आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करें।
और इसको भी पीस के हम इसका एकदम बारीक पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसको बहुत अच्छे से पीस लिया है। तो जो खसखस होती है उसको पिसने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो आप इसको आराम से पीसें, नहीं तो खसखस जो है पिसेगी नहीं। और आप देख लें कितना बारीक पेस्ट किया है मैंने। और ये देखिए यहाँ पर हमारा दूध भी अच्छे से बॉईल हो रहा है, तो हम ये सारा पेस्ट इसमें डाल देंगे। और थोड़ा सा मैं दूध लूँगी और इस तरह से मिक्सी के जार में डालूँगी, और जो बचा हुआ मसाला है हम अच्छे से घोल के दूध में मिला देंगे। तो गैस की फ्लेम को हमें इस टाइम मीडियम पे रखना है और इसको अच्छे से हम चला देंगे। तो यहाँ पर मैं किसी भी तरह का स्वीटनर इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे खजूर थे और आपको वैसे भी पता है कि दूध जो है जब गर्म होता है तो हल्का सा मीठा मीठा हो जाता है, तो मैं कोई किसी भी तरह का मीठे का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। आप चाहो तो इसमें ब्राउन शुगर या फिर थोड़ा सा शहद या फिर गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर गुड़ डालें तो बिल्कुल एंड में डालिएगा, नहीं तो दूध फटने का डर रहता है। तो बस ये देखिए मिक्सर को हम एक बॉईल आने देंगे। तो ये देखिए जो हमारा मिक्सर है बहुत अच्छे से बॉईल हो रहा है। तो बस इस टाइम पर हम इसमें डाल देंगे थोड़े से नट्स। तो मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़े से कटे हुए बादाम और काजू। आप चाहो तो इसमें पिस्ते या फिर अखरोट, अपनी चॉइस का कुछ भी डाल सकते हो, जो भी आप खाना पसंद करते हो। इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा हल्दी पाउडर, तो 1/4 टीस्पून के करीब हल्दी पाउडर। तो आपको पता है कि हल्दी जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करती है इस दूध में। इसके साथ ही मेरे पास है यहाँ पर कुछ मखाने या फॉक्स नट्स, मैं इनको काट के डाल दूंगी इस तरह से। तो आपको पता है कि मखाने जो हैं बहुत ही कैल्शियम में हाई होते हैं, तो ये जो ड्रिंक बनेगा ना बहुत ही हेल्दी होता है, बहुत फिलिंग होता है। और अगर आप ब्रेकफास्ट में ज़्यादा कुछ खाना नहीं चाहते हैं तो बस आप ये ड्रिंक ले लें और आपको बहुत देर तक भूख नहीं लगेगी। तो मतलब 10 से 15 मखाने आप कट करके इस तरह से डाल सकते हैं इसमें। और इसके साथ ही मैं इसमें डालूंगी एक आखिरी चीज़, ये है 1/2 टीस्पून के करीब देसी घी, ये देखिए। और इन सभी चीज़ों को हम बहुत अच्छे से मिला देंगे और बस कुछ सेकंड्स के लिए ही पकाएंगे। मतलब सभी कुछ ऑलरेडी बॉईल हो चुका है अच्छे से, बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए हमारा जो ड्रिंक है बिल्कुल तैयार है और आप इसको गर्मा गर्म पीजिए, बहुत फ़ायदा करता है। तो आप इसको सुबह ब्रेकफास्ट में ले सकते हो या फिर शाम को, मतलब अगर आप चाय पीना पसंद नहीं करते हो तो शाम को भी इस ड्रिंक को पिया जा सकता है। तो बस हम इसको चलिए फटाफट सर्व कर लेते हैं। मैंने आपको दोनों रेसिपीज़ बना के दिखा दी हैं, तो आपको जो भी पसंद आए उसको आप अपने रोज़ के रूटीन में शामिल करें और काफ़ी दिन तक पिए, तभी आप इसका फ़ायदा देखेंगे। तो मैंने जो नट्स डाले थे इसके अलावा अगर आप कोई और नट्स भी इसमें डालना चाहें तो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। तो ट्राई ज़रूर करिएगा और हमें बताइएगा कि आपको इन दोनों में से कौन सा ड्रिंक ज़्यादा पसंद आया और कौन सा ड्रिंक आप डेली पीना चाहोगे। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।